كتاب الله أعذب من هل أنعم به أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم جعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میں ہوں الدين الدین and I welcome you back on the program The Divine Miracle چل رہی تھی ونحن رحمان کی اور ہم ہر سیشن पिछले पॉइंट्स को डिस्कवर करते हैं और पिछले पॉइंट्स को रिपीट करते हैं हमने पिछली जो सेशन था उसमें डिस्कस किया था अबाउट अल्लाह व तआला ने किस तरह से जो जहन्नमी लोग हैं उनके बारे में जिक्र किया और अल्लाह व तआला ने उनको डराया और हमने ये भी डिस्कस किया था कि अल्लाह व तआला की रहमत जो कि हमें नबी वसल्लम ने इन्फॉर्म की कि किस तरह से अल्लाह सुबहान हमारी माओं से ज़्यादा हमारे सबसे ज़्यादा चाहने वालों से ज़्यादा हमें प्यार करता है और अल्लाह सुबहान तौ क भी फरमाता है कि मैं तुम्हें अजाब दे के क्या करूँगा अल्लाह व सुबहाना विल नाट गेट एनी थिंग आउट ऑफ इट अल्लाह सुबहान तौर का कुछ हासिल नहीं है अल्लाह सुबहान तौर अदर करने वाले हैं और अगर अल्लाह सुबहान चाहेंगे तो तमाम मखलू को माफ़ कर सकते हैं हमने वो एक्सप्लेसिट डिटेल ज़िक्र की थी कि किस तरह से अल्लाह व सबा कह रहे थे जिन और इंस की जमात से कि जब तुम्हें अल्लाह अला साल की अज़ाब ने आके पकड़ना होगा तो तुम कहाँ भागोगे और अल्लाह जिक्र करते हैं यतोफ़ोन बैन वो बिन हमीम आन कि वो तवाफ़ कर रहे होंगे उस आग के तरफ़ उनके लिए और टॉर्चर होगा तकलीफ़ दह होगा तकलीफ़ का बायस होगा और वो प्यास में गर्म पानी ढूंढेंगे और उस गर्म पानी को जब पियेंगे तो उनके लिए जो है वो चेहरे उसके वाटर उनकी चेहरों की जो खाल है उसको पिघला देगी और उनकी आँतों को गला देगी हम रहमान में एक और चीज़ देखते हैं और वो ये है कि अल्लाह सुमा त ने पेयर्स की बहुत बात की है जोड़ों की बहुत बात की है कि दो जन्नतें अल्लाह अला सु जब फूलों की बात करते हैं तो पेर्यर्स की बात करते हैं अल्लाह अला जब फलों की बात करते हैं तो पेयर्स की बात करते हैं अल्लाह अला इंसानों की बात करते हैं तो पेयर्स की बात करते हैं अल्लाह सुमा जब जन््त की बात करते हैं तो पेयर्स की बात करते हैं ऐसी क्या वजह है और इसीलिए आगे जो सब्जेक्ट आ रहा है अल्लाह अला कहते हैं फ़ब अलब कुमात का ज़बान और अला साल आगे उन लोगों की जन्नत के बारे में जिक्र करते हैं कि जो लोग अला सु से खौफ खाते हैं अल्लाह उनके लिए दो जन्नतें तैयार करके रखी हैं बिफो वी कम टू दैट टॉपिक आई हैव टू शेयर हदीस वू एक अल्ला की नबी है क़ार रसूल सल वसम वल नफ़ी बेदही अल्लाह ने की कसम नबी कहा कि अल्लाह की कसम जिसके हाथों में मेरी जान है लम तुज निबू लजहबल्लाकुम अगर तुम गुनाह ना करो तुम गलतियाँ ना करो तो अल्लाह तआला तुम्हें हटा देगा व जा आ बे कौम युज़नबून और ऐसी कौम ले आएगा जो गुनाह करेगी जो ग़लती करेगी यहाँ मकसद ये नहीं है कि हमें गुनाह करना चाहिए पर अल्लाह अला तआला की रहमत तो क्योंकि अल्लाह अला तआला तवाब है माफ़ करने वाला है और माफ़ कर नहीं देता बल्कि माफ़ करता रहता है बार बार माफ़ करता है तो ये मिसाल दी जा रही है अल्लाह अला तआला की रहमत की ना कि ये कि हम खुले होके जो है अल्लाह अला तआला की नाफरमानी करें व जा बे कौम युज़नबून फ़िरूनल्ला तला साल उनको माफ़ कर देगा ऐसी कौम को आएगा जो गुनाह करेंगे और अला उनको माफ़ कर देगा फ़िर और उनकी मफ़रत कर देगा वस माता से मफ़रत तलब करेंगे और अला साल उनको माफ़ कर देगा ये मिसाल है अला सुबह तहमत की कि अला साल की एक सिफ़्त है माफ़ करने वाला और अला माफ़ करता है इंसान अपने आप को गुनाहों से बचाता है जितना चाहता है अपने आप को गुनाहों से बचाता है इंसान गुनाह कर बैठता है इंसान खता का पुतला है ग़लती करेगा लेकिन अल्लाह सुबहान रहमत कहीं ज़्यादा बड़ी है हम ये ना समझें कि हमारे गुनाह ज़्यादा बड़े हो गए और अल्लाह सुबहान तआला की ज़्यादा छोटी हो गई जबकि ये चीज़ बहुत मायूसी की बात है और मायूसी बहुत ख़तरनाक चीज़ है हमारे लिए अल्लाह हमें बताते हैं कि चाहे तुम ज़मीन और आसमान गुनाहों से भर दो और मेरी तरफ़ सच्चे दिल से लौट कर आओ कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे अल्लाह सबा कहते हैं मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा लेकिन शर्त यह है कि हमारी सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ़ लौटने की नीयत हो और हमें वो गुना छोड़ने की नीयत हो और उसके बावजूद भी अगर हम बार बार गुना करते रहें तो हम अल्लाह सु से वापस सच्चे दिल से लौटें अल्लाह अला से तदामत के साथ तबाह करें अल्लाह अलाबाना तौ के साथ अपनी गलती का इतराफ़ करें और फिर अल्लाह साल से माफ़ी मांगे तो अल्लाह अल्ला हमें माफ़ करने वाला है और अल्लाह अला हमें माफ़ करेगा और अल्लाह सुमा त ने यह बात बोली है कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब है मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब है अल्लाह सुबहाना तौर आपके और मुझ के मेरे गुना माफ़ करे हम आगे बढ़ते हैं अल्लाह सुबाना ताली आप जन्नत के बारे में बयान कर रहे हैं और जहन्नमियों की बात जिक्र करने के बाद अल्लाह सुबहाना ताल जन्त से के बारे में जिक्र करते हैं और उन लोग की बात करते हैं जो लोग जन्नत में दाखिल होंगे वलीमन ख़ाफ मकाम रब जन्नतान और जो अपने रब से डरा के उसके सामने खड़ा होगा और अल्लाह अला सु को अपने अमाल का स, जवाब देगा उसके लिए दो जन्नतें हैं सवाल ये उठता है कि दो जन्नतें क्यों तो स्कॉलर्स ये फरमाते हैं कि दो जन्नतों की मिसाल इसलिए है क्योंकि उसने दो काम किए तो अल्लाह अला सुन ने उसको दो जन्नतें दी जो दो खूबसूरत जन्नतों के बारे में जिक्र है कि एक तो ये कि उसने अच्छे अमाल किए और दूसरा अल्लाह अल्ला से वो डरा अल्लाह अला सबाँ का डर हमें बहुत चीज़ों के लिए मोटिवेट करता है हम अगर मोहब्बत में आगे बढ़ जाएंगे तो हम ये बोलेंगे कि अल्लाह जो भी करें माफ़ करने वाला है अगर हम खौफ़ में आगे बढ़ जाएंगे तो हम जो भी आ, कर लें अल्लाह सुबाह हमें हमारे अमल कबूल करने वाला नहीं और यही दो मिसाल हमने सूरतलफ़ात में डिस्कस की थी कि गैर गैरमूब आलई हम वौली के मकदूब कौन थे जो ग़ब में आगे बढ़ गए उन्होंने ये बोला कि अल्लाह सुबाद तैाल का ग़ब हम पर है हमने नाफ़रमानी की है हम तो कर्स्त हैं हमारा अल्लाह का सुज़ब हम पे है जो कि यहूद थे जो हदीस में जिक्र किया गया जिन्होंने के मैसेज को झुटलाया फिर दौाल थे जिन्होंने मोहब्बत के नाम पर ईसाइयों ने बोला कि तो बहुत मोहब्बत करने वाला है जो चाहे वो करेगा और मोहब्बत के लिए हम जो चाहे करेंगे कोई हिदायत का रास्ता नहीं कोई कुछ नहीं जो दीन के नाम पर कहा जाए जो मजहब के नाम पर कहा जाए वो जिक्र कर दिया तो अलासम तला यहाँ पर दो जन्नतों का जिक्र करते हैं और मोटिवेट करते हैं हमें अच्छाई करने की अला शुरू में जहन्नुम से डरा रहे और बता रहे हैं कि यह जहन्नुम का वजूद है तुम चाहे नहीं भी मानो इसका वजूद है और खत्म होने वाला नहीं और अल्लाह सुमा और जो डरा उस चीज से अल्लाह सुमा हमें डराने के लिए तो बता रहे हैं ताकि हम इस गलत फहमी में ना रहें कि हम अल्लाह गफ़ूर और रहीम हैं और हम उस मिसाल को पकड़ लें जो हमने पहले डिस्कस की थी जो हमने एक बात की थी कि गुलाम और एक आ, मास्टर की एक मालिक की और ग़ुलाम की कि उनको मना करता है कि इस दायरे से बाहर मत जाना वो गलती से कभी गिर जाता है दायरे के बाहर और वो बाद में देखता है कि मेरे मास्टर ने मुझे कुछ नहीं बोला मेरे मालिक ने मुझे कुछ नहीं बोला और फिर बार बार वो जाके उससे बाहर कदम रखता है बार बार उधर से वो करता है और फिर देखता है मालिक ने तो मुझे कुछ बोला ही नहीं तो फिर उसके बाद तो उस दायरे से बाहर ही जो है वो वक्त गुजारना शुरू कर देता है और फिर एक दिन उसका मालिक उसको बोलता है बुला के कि मैं नोट कर रहा था मैं ये बात देख रहा था कि तुम कितनी दफ़ा इस दायरे से बाहर गए और आज मैं उन तमाम नाफरमानियों की तुम्हें सजा दूँगा वो गुलाम बोलता है कि लेकिन एकदम से मुझे पकड़ लिया तो वो अला साल की हदूद हैं असम तदूद हमें क्रॉस नहीं करनी चाहिए अल्लाह ताली की नाफ़रमानी हमें नहीं करनी चाहिए और अगर हमें हमसे गलती से हो भी जाए और जानबूझ के भी हो जाए तो हम एहसास रखें किला से तोबा करें और उनको ना दोहराएँ अल्लाह स्म ते कहते वाले मन ख़ाफ मकामी मकाम रब भी जन्नतान जो खौफ खाएगा अल्लाह साल से खौफ किसी चीज़ के ना किसी चीज़ के हो जाने का डर कि अगर मैंने अल्लाह की नाफरमानी की तो अल्लाह अल्लासम मुझसे नाराज़ हो जाएगा अल्लाह कहीं मुझसे दुनिया और आखिरत की रहमतें ना छीन लेम तमतें ना छीन मुझे अपना दीदार ना करे आखिरत के दिन अला साल कहीं ऐसा ना हो कि मुझे नाफरमानों में शामिल कर दे ये वो डर है कि अल्लाह अल्लास मा कि जिसने अपनी नफ्स को वन हन नफ्स अनिल हवा जो अपनी नफ़्स को रोका उसने अल्लाह ताला की नाफ़रमानी से ठीक है वही कामयाब रहा वही कामयाबी है जो अल्लाह सु ने करी है जो शुरू में हमें, हमें फ़रमाया कुरान कि अल्लाह ताला, ताला ने तुम्हें कुरान इसलिए सिखाया है और कुरान का जिक्र इसलिए पहले किया था और तुम्हारी तख्लीक़ का जिक्र इसलिए बाद में किया था क्योंकि तुम्हारा जो पर्पज़ है ज़िंदगी का जो तुम्हारा मकसद है ज़िंदगी का वो कहीं बड़ा है तुम्हारी तख्लीक़ से तुम तुम्हारी तख्लीक़ चूँकि पहली हुई है लेकिन कुरान बाद में आई है लेकिन तुम्हारी कुरान जिंदगी का मकसद होना चाहिए कुरान सीखना कुरान सिखाना लोगों तक पहुँचाना चाहे वो एक ही आयत हो ये तुम्हारी जिंदगी का मकसद है और तुम्हारी इज्जत इसी में है कि तुम अब अपने रब के सिखाई हुई तालीम के ऊपर आ जाओ वह अल्ला माहौल बयान और तला ने तुम्हें उसके बयान करना सिखाया तुम्हें सिखाना सिखाया उसको समझना सिखाया इसीलिए आप तफासिर की किताबों में लंबी लंबी तफसील देखते हैं और हम ये सूरब रहमान का सेशन भी देख रहे हैं कि हम एक्सप्लेन करने के लिए गए थे और हमारे जो है कितनी सेशन में खिंच गया है और फिर भी लगता है कि हमने अल्लाह अलासम तौ के कलाम को सही तरह से नहीं समझाया आगे बढ़ते हैं अल्लाह अला साल से जो डरेगा अल्लाह अला साल ने उसके तो लिए दो खूबसूरत जन्नत रखी हुई है अल्लाह की जन्नत दुनिया की कोई मिसाल इसको समझा नहीं सकती नबी अब नबील ने बोला कि जहां पर सोच इंसान की खत्म हो जाती है उससे कहीं ज्यादा है जिस आंख ने ना कभी देखा किसी आँख कान ने ना सुना किसी जबान ने ना उसका जिक्र कभी किया लेकिन हमें सिर्फ में और अदीस में मिसाल दे के समझाया जाता है कि वो तुम्हारी उम्मीदों से तुम्हारी ख्वाहिशात से कहीं ज़्यादा है और उसकी छोटी सी मिसाल ये ले लीजिए कि जो चाहेगा इंसान उसमें मिलेगा और उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा किसी ने एक बात बहुत प्यारी कही और मेरे दिल को बहुत अच्छी लगी और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा किसी ने बोला कि जन्नत की एग्ज़ाम्पल मुझे दो ज, 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 जन्नत को मुझे डिस्क्राइब करो जन्नत को मुझे समझाओ कि जन्त कैसी है उसने बोला उसमें अल्लाह के नबी सल्ह वसम है उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु सल्ह वम ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है अल्लाह ताला आपको और मुझको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंपनी नसीब करे जन्नत में और मुस्तकिल कंपनी हमारी और आपकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे क्योंकि ये हमारे लिए बहुत शर्फ़ के बाईस है कि अल्लाह व तआला की नबी किस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंपनी हमें नसीब हो विल मूव हैड फ़ब अल रबातों का तुकज़्ज़िबान और तुम जिन और इंस कौन कौन सी नहमतों को जुट लाओगे अल्लाह ताला अगर तुम्हें जानवर पैदा कर देता तुम्हारे लिए कोई जन्नत नहीं रखता अल्लाह सुमा तला तुम्हें कोई कीड़े मकोड़े में पैदा कर देता अल्लाह ताला ने तुम्हें और इंस में पैदा किया तुम्हें तालीम दी तुम्हें सिखाया और तुम्हारे को ये भी बताया कि तुम्हारी असल फलाह तुम्हारी कामयाबी किस चीज़ में है और तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने जन्नत भी तैयार करके रखी और तुम्हें बताया कि दुनिया थोड़े वक्त का मता है फ़ायदा है अगर तुम इसमें घुमा दोगे अपने आप को तो तुम बहुत बड़े फ़ायदे से अपने आप को महरूम रख लोगे एक हदीस है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शेयर करते हैं कि सई अबी अबू सईद रद्ला फरमाया कि एक दफ़ा बनी इसराइल का एक बंदा था और बहुत मशहूर रिवायत है कि उसने सौ कत्ल किए थे उसके निन्यानवे कत्ल किए थे सॉरी निन्यानवे कत्ल किए थे और वो किसी के पास गया एक बहुत ही इबादत गुजार बंदे के पास गया और पूछा कि क्या मेरी माफ़ी है उसने बोला तुम्हारी माफ़ी नहीं उसने बोला मैंने निन्यानवे किए मैं उसका भी कत्ल कर दिया फिर वो आगे गया और किसी आलिम से उसने पूछा कि क्या मेरी माफ़ी है जो मैंने किया है उसने बोला आपकी माफ़ी है लेकिन आपको जगह बदल के शहर बदल के किसी और जगह जाना होगा और इस नीयत के साथ कि आप अल्लाह की सुमा तलब कर रहे हैं उसने यही किया उस नीयत से वो निकला और रास्ते में उसको मौत आ गई अब जब मौत आई तो दोनों फरिश्ते रूह आ, बुरे बुरे रुख खींचने वाले और अच्छी रुख खींचने वाले आ गए और उनमें आपस में जो है ये आर्गमेंट शुरू हुई ये बहस शुरू हुई कि कौन इसकी रूह निकालेगा अल्लाह व तआला ने तीसरे फरिश्ते को भेजा और बोला कि जिस जगह ये जा रहा था अगर उस तरफ जो डिस्टेंस है वो कम है तो इसको जन्नत जन्नत वाले फरिश्ते निका इसकी रूह निकालेंगे और अगर जहाँ से ये आ रहा था वहाँ की डिस्टेंस अगर कम है तो इसकी जो है रूह वो बुरे फरिश्ते निकालेंगे और फिर अल्लाह सुबहाना व ने ज़मीन को जिस तरह वो जा रहा था हुक्म दिया कि वो सकड़ जाए अल्लाह के इज़न से और इस तरह से अल्लाह तआला ने उसको माफ़ कर दिया अल्लाह तआला जब हमें माफ़ करने पे आए तो अल्लाह सुबाना तआला कई बहाने ढूंढ के हमें माफ़ कर सकता है लेकिन हम अल्लाह हमल्सा तआला की तरफ़ अपना ताल्लुक़ जोड़ें और अल्लाह तआला से हम मगफिरत तलब करते रहें हमने सूरह फ़ात में बात की थी कि इहदिनत सिरात और मुस्तकिम हम कभी इस गुमान में ना रहें कि अल्लाह ताला ने अगर हमें किसी चीज़ की समझ दी है या हिदायत दी है तो हम हिदायत पे ही रहेंगे जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ हम सूर फातिया में ताला से दुआओं में हिदायत की दुआ मांगा करते थे इल्म में इजाफे की दुआ मांगा करते थे तो हमारी क्या औकात है कि हम अपने आप को समझें कि हम हिदायत पर हैं हमें रोज़ अल्लाह सुबान व तआला से हिदायत मांगनी चाहिए रब ला तज़लू बना बरा दजहदई कि अल्लाह व तआला हमारे दिनों को ना फेरना बाद इसकी तू ने हमें हिदायत अदा की अगर तूने हमें गुमराह कर दिया तो हम कहीं के ही लेरने वाले होंगे हिदायत सिर्फ़ अल्लाह सुबा तआला की तरफ से इंसान अपनी फ़हम से चीज़ को समझ के हिदायत हासिल नहीं कर जाता अल्लाह की तरफ से होती फिर अल्लाह तआला वर्स नंबर फोर्टी एट में फरमाते हैं सूरह रहमान में ज़वात ज़वात अफनान कि अल्लाह सुमा तआला ने उस जन्नत में जो तैयार करके रखा है बहुत साए हैं बड़ी बड़ी ब्रांचेज हैं और आज हम जानते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी जहाँ पे खूब खजूर के दरख्त हों बड़े बड़े दरख्त हों घास हो बड़ी हाई प्राइस पे बिकती है बहुत वैल्यू होती है उस चीज़ की अल्लाह अला ने जब ये अरब के लोगों को समझाया जहाँ पर वो रेगिस्तान में रह रहे थे तो उनके लिए ये बड़ी बहुत बड़ी मिसाल थी कि ऐसी जन्नत दी जाएगी ऐसे बाग दी जाएंगे जहाँ पानी की कमी नहीं होगी जहाँ फलों की कमी नहीं होगी हर तरह के फल मिलेंगे हर मुख्तु टेस्ट के रंग के फल मिलेंगे और अला सुमा तला ने ऐसे बाग़ा तैयार करके रखे हैं और एक ही नहीं दो दो करके तैयार करके रखे हैं और मजीद जो अला सु से डरेगा उसके लिए भी मजीद दो और बाग़ हैं तो ऐसी मोटिवेशन उनको देने के लिए ऐसी दुनिया को बिलिटिल करने के लिए कि इस दुनिया की कोई अहमियत नहीं अल्लाह सुबहान ताली ही के केरबत अक्वायर करने के लिए हमारे लिए ज़रिया बनेगी और अल्लाह ताला इसलिए कहते हैं ज़वर अफ़नान जवाथा अफ़नान कि अफनान आ, कहा जाता है कि मिसाल के तौर पर ऐसी ब्रांचेस जो लोगों को साया दे या ऐसे लोगों को जो है शेड दे जिससे लोग फायदा उठा सकते हैं और इसी बात के साथ हम यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं मिलते हैं ब्रेक के बाद प्लीज स्टे ट्यून एंड डोंट गो अवे दिस वजी उद्दीन साइनिंग आउट फॉर द टाइम बी फॉर अ स्मॉल ब्रेक विल बी राइट बैक अल्लाम आईकुम वरह वक्ड वेलकम बैक टू द प्रोग्राम द डि मेरिकल मैं वजीद्दीन और हम सूर राज की बात कर रहे थे और सौर रमान में वर्ष नंबर फोटी नाइन इससे पहले हम बात करें तो माली ने किस तरह से उन लोगों के लिए जो 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 अल्लाह सुमा डरतेरते हैं उनके लिए दो जन्नतें तैयार करके रखी हैं और उसमें किस तरह से अल्लाह अला साल ने उनके सए और सकून का ज़रिया किया है सए का जिक्र करने का मकसद सिर्फ ये है कि अल्लाह अला साल ने तुम्हारे लिए जो जो की ठंडक है तुम्हारे लिए जो भी सकून का ज़रिया है अल्लाह तो अला साल ने तुम्हारे लिए तैयार करके रखा है और अल्लाह अला सु उससे बेहतर वाकिफ़ हैं हमें सिर्फ समझाने के लिए हैं हमें मोटिवेट करने के लिए हैं कि अल्लाह अला किस तरह से खूबसूरती जन्नत में बयान कर रहे हैं कि अल्लाह साल ने तुम्हारे लिए क्या तैयार करके रखा है और फिर अल्लाह सुबह कहते हैं वर्ष नंबर फोर्टी नाइन में फ़बी अई आलाब को तो क़ा तुम कौन कौन सी नियमतों को झुटलाओगे एज एनोरेंस अला की तो का ज़बान केस झुटलाना इनकार करना अल्लाह अला तआला की चीज़ से मुंह फेर लेना उसको इनकार करना ये इंसान अल्लाह अला तआला की आयत के साथ करता है आ, हमने ये बात बोली कि रब तुम्हारा रब तुमसे कहीं ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है जिनों रिज से मुहबत करने वाला है तुम्हें पैदा करने वाला है तुम्हें पालने वाला है तुम्हारा ख्याल रखने वाला है तुम्हारी हर जरूरत को देखने वाला है तुम्हारे हिसाब से मौसम पैदा करने वाला है तुम्हारे हिसाब से गर्मी और सर्दी देखने वाला है अगर हमारे शहर में ही एक नॉर्मल टेम्परेचर जैसे गर्मी ज़्यादा हो जाती है इंसान बिल्कुल ही बिल बिला जाता है परेशान हो जाता है ये समझ नहीं पाता कि किस तरह से बर्दाश्त करूँ लोग ए सी में भी रहते हैं लेकिन फिर भी उनसे बर्दाश्त नहीं होता ये अल्लाह अला साल के के बताने का मकसद है कि तुम अगर अल्लाह अला सुमात अल्ला नहीं होते कोई और बनाने वाला होता तो थोड़ा सा अगर टेम्परेचर ऊपर उप, नीचे होता तो कौन है जो तुम्हारे को राहत पहुँचाने वाला है कौन है जो तुम्हें सुकून पहुँचाने वाला है और फिर अल्लाह साल तुम्हें जन्नत के बारे में बताते हैं फ़ी हिमा कि उन दोनों जन्नतों में है आनान तजरीान ऐसी नहरें हैं जो कंटिन्यूसली बहती हैं बहती रहती हैं उनका कोई रोकने वाला नहीं उनको कोई आ, मना करने वाला नहीं अल्लाह सुबहाना तैाली ने तुम्हारे लिए ये नेमतें रखी हैं और अगर आप सोचें अरब लोगों के लिए जो रेगिस्तान में रहते थे जिनके पास पानी एक बहुत बड़ी नेमत होती थी और उनको ये बात बताई जा रही है कि तुम्हारे लिए दो दो नहरें होंगी दो दो नहरें होंगी जो नॉन स्टॉप बह रही होंगी उनके कितनी बड़ी नेमत होगी अल्लाह सुबहाना तआला जन्नत की कैफियत से जन्नत के हालात से जन्नत की नेमतों से बेहतर वाकिफ़ है अल्लाह ताला ने दुनिया में सिर्फ वक्ती तौर पे चीजें बनाई हैं जन्नत इज़ फार मोर बेटर एंड ब्यूटुल दैन वी कैन इमेजिन अल्लाह सुबहाना तआला ने हमें सिर्फ कुरान में जिक्र किया है और जिस तरह से अब्दुल्ल अबिन मसूद बयान करते हैं कि जिस तरह से शराब का जिक्र है फलों का जिक्र है नेमतों का जिक्र है ये सिर्फ नाम में सिमिलर हैं दुनिया की और इनकी कैफियत कहीं मुख्तलिफ है आखिरत में अल्लाह सुबहान ताली आपको और मुझको जन्नत में दाखिल करे और हमारी मगफरत करे हम आगे बढ़ते हैं अल्लाह सुबह फिर दोहराते हैं अब आप अगर नोट करें कि अल्लाह सुबहान तौर की इस आयत को दोहराना हर आयत के बाद एक शॉर्ट डिस्टेंस पर आ गया शुरू में जो अल्लाह सुबात ने बहुत लम्बे ज़िक्र के बाद फ़लाय रब कुम तुकस ज़िबान बयान किया और जब जन्नत की बात आई तो जन्नत की हर आयत के बाद हमें जिक्र मिल रहा है और फिर बाद में अल्लाह साल दो तीन बात और करके उसको जिक्र करते हैं फ़ब अल रब कुमा तुकस ज़िबान कौन कौन सी नियमतों को जुटलाओगे ये जैसे हमने मिसाल दी थी कि इसका तकरार इसको बयान करना अरब ममालिक में ये आम प्रैक्टिस थी अरब शायरी में कि एक चीज़ को एम्फिस डालने के लिए उसको बयान किया जाता है कि तुम कितनी नियमतों को झुटलाओगे तुम क्या क्या चीज़ से कुफर करोगे ये अल्लाह लात के गुस्से का इजहार भी है ना क्या सुमा ताल की नाराज़गी का इजहार भी है कि ए कुफ़ार तुम्हारे तरफ जो एक शख्स भेजा गया है जो अल्लाह के नबी सल वसम है जो इतनी रहमत और शफ के साथ और तुम्हारे लिए दुआएं करते हैं तुम उनको तकलीफ पहुंचाते हो तुम उनका मजाक उड़ाते हो तुम उनकी लाइवी किताब का मजाक उड़ाते हो जो इतनी बड़ा जो मुआजा है तुम्हारे लिए आए है तुम उसको झुटला रहे हो ये जन ये दुनिया की जो निशानी है तो कहीं दूर की बात तुम तो अल्लाह व तआला की किताब को झुड़ाने पर आ गए तो तुम अल्लाह अला व तआला की कौन कौन सी नियमतों को जुटलाओगे कौन कौन सी नियमतों को जुटलाओगे ये अंदाज है अला सुबान तौ का कहने का और अल्लाह सुबात के लिए तमाम मिसालें जो है वह वो 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 इस आगे बढ़ते हैं फिफ्टी टू में अला तो कहते हैं फ़ी हिमानकुल्लिफ़ा के हतिन जो जान अब अल्लाह सुमा तो जन्नत की डिस्क्रिप्शन पे लेके चल रहे हैं मैं वापस रिपीट करता चलूँ हमारे सूर रहमान के फाइव सब्जेक्ट्स हैं पहले अला सु तो ने कुरान की अज़मत बयान की और किस तरह से इंसान को सिखाया है और दूसरी चीज़ अ माता ने दुनिया की क्रिएशन के बारे में बात की जन्त हैं इंसान हैं और जिस तरह से जो फल हैं जानवर हैं ज़मीन के पौधे हैं इन सब की क्रिएशन की बात की ये तुम कुरान को तो दूर की बात ये तो तुम दुनिया की नियमतों को झुटलाने लगे हो तो कुरान को झुटलाना तो दूर की बात तीसरी चीज़ जो जहन्नम के लोग थे उनको जो क्यामत के दिन जो पकड़ होगी किस तरह से उनको आग पकड़ेगी किस तरह से उनके लिए अजाब होगा उसके बारे में जो थर्ड सब्जेक्ट है वो जिक्र किया गया फोर्थ वाल खाफ मकाम रब ही जन्नतान कि जो अल्लाह तआला से डरा और खौफ खाया उसके लिए दो जन्नत हैं और फिर जो की नेमत अपनाएगा और उसको मजीद दो जन्नतें अदा की जाएंगी पांच एक्स्ट्रा रिवॉर्ड के बारे में किया। और यहां पर अल्लाह कहते हैं कि जो जन्नत है उसके अंदर जो फल हैं वो मुख्तल किस्म के हैं जो दो जोड़ियाँ हैं पेयर्स हैं अल्लाह तआला ने उसको किस तरह से रखा है वो कितने हैं कैसे हैं हम दुनिया की मिसालें देख के हैरान हो जाते हैं कि कुछ फल इतने बड़े बड़े होते हैं और अगर ल्ला अपनी नियमतों से नवाजे तो क्रॉप्स भी इतने बड़े बड़े होते हैं और हमने वो वक्त देखा है और इसकी तस्वीरें भी मौजूद हैं कि किस तरह से अला साल अगर हुक्म दे तो ज़मीन हमें कैसे ख़जाने देने पर तैयार हो जाए तो जन्नत की मिसाल कहीं ज़्यादा है जैसे नबी सल वल् ने फरमाया कि अगर एक छड़ी जो जन्नत में कवर करती है एरिया को छोटी सी अगर उसकी प्राइस दुनिया की तमाम दौलत से कहीं ज़्यादा है अल्लाह ताली आपको और मुझको जन्नत फिरदौस में दाखिल करे और हमारे गुना माफ़ करे आमीन फ़ब अब को मा तो का ज़बान फ़ब अब को मा तबान और तुम अल्लाह सुबाँ ताल की कौन कौन सी नमतों को झुटलाओगे एक रिवायत में अल्लाह सबाणा तहते हैं

सॉरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इला खल और रहमत यौ माल कह मे आते रहमता जिस दिन ने रहमत को आ, 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 अपने आप पैदा किया उसमें उसकी जो आ, सौ थी आ, दर्जे वो पैदा किए फमस का इंद हु तस अनु तस इन रहमता ने अपने पास एक हिस्सा रख दुनिया में छोड़ दिया और बाकी निन्यानवे हिस्से अपने पास वो कर दिए फ अरसल फ़ी खल़ी ही खुल हिम रहमतान और सारी जो थी अब जो अपने पास रख ली एक्सेप्ट एक, एक रहमत के जो अल्लाह ने मखलूक में फ़लो या फिर बिखुल लजी एन में रहमती अगर काफ़िर अल्लाह जो रहमत है उसके बारे में जान जाए जो अल्लाह सुन ने अपने पास रखी हुई हैमय यू आस आ मिनल जन्नति तो कभी वो मायूस ना हो जन्नत से को अपनाने में कि वो अगर अल्लाह सु की उस निन्यानवे रहमत के बारे में जान जाए तो कभी मायूस ना हो अल्लाह की जन्नत अता करने में और अगर मुसलमान को पता चल जाए व्यामिन बिकल लजी यामन लमया अमन नार कि अगर मुसलमान को पता चल जाए मोमिन को पता चल जाए कि अल्लाह सुबह वाली के अजाब में क्या है और अल्लाह ने अजाब क्या तैयार करके रखा है और किस तरह का अजाब है तो वो कभी अपने आप को अमन में महफूज ना करे अल्लाह की अजाब से तो ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है अल्लाह खौफ और अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह साल आगे कहते हैं मुथ इन अला फ़ुरशिन बता मिन इसतब व वन व जनल जन्नथान अल्लास माता ने कहा कि वो लोग अपने आरामदेह सोफों में बैठेंगे और उसमें जो है वो सोफ़े जो होंगे वो ब्यूटीफुल तरीके से आ, 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 क्या कहते हैं डेकोरेटेड होंगे और अल्लाह ताला ने उनके आराम के लिए वो चीज़ें रखी हुई होंगी और उसमें अलग अलग खूबसूरत किस्म के आ, आ, जो है डिज़ाइंस होंगे और जो फ्रूट्स होंगे जो दोनों उन गार्डनज में उनके लिए ईज़िली एक्सेसबल होंगे कि वो जो फूल चाहेंगे उसको वो अपना लेंगे उसको पकड़ लेंगे उनको उनके लिए आसानी होगी मीनिंग अल्लाह मीनिंगल्ला ने उनके लिए आराम के लिए हर तरह की पॉसिबिलिटी तैयार करके रखी है तकियों की मिसाल आरामदेह कावचज़ की मिसाल और उन कावच के ऊपर जो नक्श नगारी हुई हुई है सिर्फ अल्लाह सु माता ने उसको सिर्फ मिसाल किया कि अल्लाह ताली ने तुम्हारे लिए वो चीज़ें तैयार करके रखी हैं जो दुनिया में तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाली नो ब्रांडेड वेयर कैन एवर कम्पीड टू वॉट अल्लाह हज़ प्रपेयर फॉर अस इन दि आखिर और अल्लाह सुमा ने जो नियमतें रखी हैं कि तुम्हारे को तकलीफ़ नहीं होगी आज तुम्हें घर से निकलना पड़ता है रोज़ी देखनी पड़ती है तकलीफ उठानी पड़ती है गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ती है लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं जिसकी नौकरी कर रहे होते हैं उनकी बातें सुननी पड़ती हैं जन्नत में तुम्हें यह सब चीज़ें नहीं अला सुमा तुम जो सवाल करोगे तुम्हें अल्लाह सुमा तता करने वाला है फ़ब अब कमा तो और तुम अल्लाह सुबा ती कौन कौन सी नियमतों को झुटलाओगे अल्लाह सुबह की कौन कौन सी नियमतों को जुड्डा होगे? जब जन्नती लोग जन्नत में पहुँचेंगे तो अल्लाह व्ला तैाल की नियमतों को देख के कहेंगे कि या अल्लाह तेरी नियमतें इतनी हैं हम तेरा कितना शुक्र अदा करें कि हम मांगते हैं और तू देता है और हम मांग मांग के थक गए लेकिन तू दे रहा है अल्लाह सुबहाना वाली से बार बार दुआ करते हैं कि अल्लाह सुबान तै हम सब को जन्नत में दाखिल करे और हमें दुनिया और आखिरत के अजाब को बचाए अल्लाह सुबाणा वाली अने आख़ि कहा फ़ी हिन्ना का तरफ लमयत मिस हन न सुसन क़बला हम वला जान अल्लाह किस ने उधर ऐसे हमारे लिए कम्पेनियन्स रखे हैं मेडियंस रखे हैं अजवाज रखे हैं अला ने है, कि जो अपनी आँखों को नीचे रखते हैं मीनिंग अलामा तै यहाँ पर हमें दुनिया की कंपेरिज़न भी बता दी कि यहाँ पर जो इंसान के तल्ल हैं कि हमारी आँखें ऐसी हराम चीज़ों को ना देखें और ऐसी लोगों को ना देखें जिनको अला साल ने हमारे लिए हलाल ना रखा हो अमा तै ने उन कम्पेनियस का ज़िक्र किया कि अला साल ने उनको जो जितना खूबसूरत बनाया है और अल्लाह सु ने उनकी जो सिफात बयान की है कि वो एक परफेक्ट मैरिज वाला सिचुएशन है जहाँ पे वो किसी और को ना देखें सिवाय आपके और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी और आखिरत में अपनी नियमतों को अता करे हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद वापस कंटिन्यू करते हैं जन्नत के बारे में इन श्लीजे ट्यून सामकम هذا كتاب الله اعذب من व असल व बरकातहू एंड वेलकम बैक टू द प्रोग्राम द डिवाइन मेरकर और हम बात कर रहे थे सूर रहमान की और सूर रहमान में हम जिक्र कर रहे थे अल्लाह व तआला ने जन्नत की नेमतें अता की हैं और जन्नतों की नेमतों में किस तरह के मुख्तलिफ फल हैं अल्लाह व तआला ने साए तैयार करके रखे हैं और वो जन्नतों के पैर के बारे में जिक्र किया कि उन लोगों के लिए जो अल्लाह व तआला से खौफ खाते हैं और अल्लाह व तआला ने उसमें उन कम्पेनियस की उन अजवाज की उन पाउसिस की जिक्र किया जो अल्लाह व तआला ने उनकी खूबसूरती बयान की किस तरह से उनको ने ते अता किया है कि वो किसी और को नहीं देखती और उनकी ग्लासेज नीचे होते हैं सिर्फ अल्लाह सुबाणा ने उनको खास किया है मीनिंग अल्लाह मीनिंग्ला सुन ने खास आपके लिए वो कम्पनीज रखे हैं जन्नत में और अल्लाह सुमा त ने मजीद उनके बारे में कहा कि उनको कोई नहीं छुआ होगा उससे पहले इन इंसानों में से और वाला जान जिनों में से मीनिंग अल्लाह व तआला ने उनको ख़ास किया हुआ है हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात जानते हैं कि अल्लाह सुबहाना तआला ने हमें अगर अजवाज के बीच में एक फ़िज़िकल एक्टिविटी हो तो उसके बारे में भी दुआ पढ़ने के लिए बताया है कि किस तरह से हम जब उनके करीब जाएँ तो हलाल ज़रा से उनको आ उनसे औलाद एक्सपेक्ट करें तो अल्लाह सु के नबी अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ सिखाई है कि हम दुआ पढ़ें जिसकी बिना पर शैतान उसमें पार्ट नहीं लेता किस तरह से शैतान अला सुमा तब से हम पैदा हुए हमारे साथ एक कारीन है जो हमें वसफ़ डालता है हमारे दिलों में सीनों में बल्कि शक डालने की कोशिश करता है अल्लाह के दीन के बारे में और अल्लाह ताला की नाफरमानी की तरफ़ हमें बुलाने की कोशिश करता है और अल्लाह सुबाना ने यही बताया कि वो ऐसी कम्पेियन्ज हैं जो अल्लाह सुबाना तौ ने आपके लिए ख़ास बनाया है और उनके दिल ख़ास आप ही के लिए हैं और उनकी नज़रें किसी और को नहीं ढूंढती सिवाय आपके और अल्लाह ताला ने आपके लिए ने नेमतों के तौर पर बनाया हुआ है यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि अल्लाह सुबाना वाली जब हूरों का ज़िक्र करते हैं कम्पनीय का ज़िक्र करते हैं तो अल्लाह सबाणा तौला की इस किताब के बारे में कुछ लोग सवाल करते हैं अला ने मर्दों के बारे में जिक्र किया तो खातन के बारे में क्या है हम ये पहली बात ही समझ लें कि अल्लाह सुबाना तौला हर किसी को जन्नत में उसका हक अता करेगा और उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा अता करेगा हमें इस तरह की बात समझने के लिए कि अला ने मर्दों के हिसाब से उस उनको समझाया जो मर्दों को सबसे ज्यादा चाहिए और खुवान को उस तरीके से समझाया जो उनको समझने के लिए चाहिए अल्लाह सुबाना तौला ने मर्द औरत के किसी अमल को जया करने की बात नहीं नहीं की अल्लाह सुमा ने इफैक्ट ये जिक्र किया है कि जो मर्द होगा या औरत होगी अला किसी के अमल ज़ाहिर नहीं करेगा और हर किसी को उनके अजर के हिसाब से देगा इसलिए हम अला से ये उम्मीद रखें कि अला साल मेरी ख्वाहिश से कहीं बेहतर देने वाला है और कहीं ज्यादा देने वाला है मुझे पैदा करने वाला अला सुमा है मेरी ख्वाहिशा को जानने वाला अला साल है और जन्नत में मुझे क्या चीज़ खुश रखने वाली है और क्या चीज़ कभी बोर नहीं करने वाली और क्या मेरा दिल कभी मायूस नहीं होगा या कभी मुझे शिकायत का जरिया मोमेंट नहीं आएगा ये अल्लाह यह अला ने हमें क्लियर कर दिया कि जन्नत में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है आगे बढ़ते हैं अल्लाह सुमा ने फिर रिपीट किया आला ये फिर अल्लाह उनके बारे में बयान करते हैं कि वल मरजान कि उनकी खूबसूरती ऐसी है जिस तरह से रूबीज़ और पर्ल्स हों कीमती पत्थर हों हीरे जवाहरात हों अल्लाह अला साल ने जिक्र किया कि ये इस मानी उनकी खूबसूरती है कि अला साल ने उनको बनाया ही अलग तरीके से अल्लाह सुमा त ने उनको दुनिया से कंपेयर नहीं किया बल्कि अल्लाह उस माने उनको खूबसूरती तक खूब खूबसूरती से कंपेयर किया कि किस तरह से अल्लाह सबा ने उनकी खूबसूरती बनाई हुई है और इंसान को खूबसूरती पसंद है अल्ला इसलिए अल्लाह जमील हिब्बल जमाल अल्ला खुद भी खूबसूरत है खूबसूरती पसंद करता है अल्लाह की तमाम क्रिएशन खूबसूरत हैं लेकिन अल्लाह साली ने जन्नत में जिक्र किया कि अल्लाह तौर ने कहीं ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें तैयार करके रखी हैं फ़ब आई आला रब को महतो का ज़बान और तुम कौन कौन सी नियमतों के अल्लाह सुबह ताली को कि झुटलाओगे हल जजा उल एहसानसान क्या और कोई बेहतर जजा है एहसान का एहसान का बदला जो अल्लाह त के लिए एहसान करेगा दीन में बेहतर तरीके से चलेगा कि अल्लाह सुबह उसको एहसान का बदला एहसान नहीं अता करेगा हम यहाँ पे एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत शेयर करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी लोगों को पैसे देता था कर्ज़े देता था और अपने बंदे को भेजता था और वो कुछ वापस लेके नहीं आता था बोलता था कि अब मुश्किल ही आपको कोई पैसा मिले तो वो कहता था कि अल्लाह ताला याद रखिएगा मैंने इनको माफ़ किया आपके लिए मैंने इनको माफ़ किया तो अल्लाह सुबा बोलते हैं कि क्या मैंने इसको ज़्यादा मुझसे ज़्यादा माफ़ करने वाला और दरगुजर करने वाला अल्लाह रखू असम कि याद रखो मैंने इसको माफ़ किया वो कोई अपनी नेकी लेके नहीं आएगा क्या के दिन लेकिन ये कि वो लोगों के पैसे माफ़ कर देता था तो अल्लाह अला सुमा माफ़ करता है उसको जो अल्लाह लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करता है अल्लाह मत के दिन में हम, हम जानते हैं कि एहसान है ईमान है इस्लाम है ईमान है और एहसान है एहसान एक परफेक्शन का लेवल है एक बेहतरीन लेवल है कि नमाज उस तरह से पढ़ो जिस तरह से तुम्हें अल्लाह अला साल को देख रहे हो और अगर इस तरह से नहीं तो कम अज़ कम इस तरह से नमाज़ पढ़ो कि तुम्हें अल्लाह अला साल देख रहे हैं कि यही हमारा दर्जा है एहसान का कि हम ऐसे नमाज़ पढ़ें जैसे हम अल्लाह अला को देख रहे हैं अल्लाह अला साल को देखना ज़ाहरी तो तौर पर नहीं क्योंकि मिसाल ये यहाँ पर ज़ाहरी तौर पर नहीं है अल्लाह साल को दिल की आँख से देखना कि इंसान की नमाज़ में वो खुशबू वो जो आजजी है वह ऐसी हो कि उसको वाकई लगे कि अल्लाह अला साल को देख रहा है या नहीं तो एक दर्जा तो हो कि कम अज कम तुम्हें अल्लाह देख रहे हैं और तुम्हारी नमाज में जो है तुम्हारी इबादत में जो है बेहतरी आए फब अलाब कुमा का जबान और तुम कौन कौन सी अला सब्बान ताली की नियमतों को छुप जुट लाओगे वो मिन दू नियम जन्नतान अला मजीद कहते हैं कि इन जन्नतों के अलावा और भी जन्नतें हैं मीनिंग और इस इस जन्नत के बारे में अल्लाह मेंसम बयान कर रहे हैं और बता रहे हैं ये उससे भी बेहतर जन्नतें हैं मीनिंग्ला सु माता ने आपको सिर्फ़ फ्री सैंपल में कुछ और नहीं दे रहे हैं उस जैसा नहीं दे रहे हैं बल्कि इसका इजाफा उनकी खूबसूरती में भी इजाफा है और इसीलिए अल्लाह सुन ने जन्नत के बारे में जो मिसाल दी कि उनकी खूबसूरती कोई जमला नहीं बयान कर सकती और इंसान जब उस जन्नत को देखेगा और जैसे एक नबी सल वसलम ने रिवायत में बना बताया कि जब एक आदमी से क्यामत के दिन पूछा जाएगा कि तुम्हें कोई नियमत मिली उसमे अल्लाह तौ मुझे कुछ नहीं मिला दुनिया में मुझे कुछ नहीं मिला मेरी हालत सबसे बुरी थी तो फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा कि इसको जन्नत में एक डुब की तलवा के आओ वन डिप इन 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 दैवन और उसको जब वहाँ से लेके जाएगा वो सारी तकलीफ़ें तमाम मुश्किल को भूल जाएगा और जन्नत की खूबसूरती को देख के तमाम उसको राहत सकून मिल जाएगा जन्नत में पहला कदम ही इंसान को तमाम दुनिया के तकलीफ और आखिरत की सख्तियों को और मुश्किल उनको भुला देगा फिर अला आगे फरमाते हैं फभी आ रबान अब जितना जन्नत का जिक्र हो रहा है उसकी हर आयत के बाद आपको फभी आ रब कुमान जैसे हमने बताई है कि अला बार बार इसको क्यों रिपीट कर रहे हैं आगे बढ़ते हैं वर्ष नंबर में अला कहते हैं मुद हाम वो दोनों एक बेहतरीन ग्रीन गार्डन्स हैं जैसे मैंने आपको बताया अब जन्नत की बात हो रही है कि मजीद दो जन्नतें हैं और वो बेहतरीन से बेहतरीन मिसाल में बयान किए जा रही हैं फ़ब अई आलाय रब को मात ज़बान फ़ब अई आलाय रब को मात का अब हर नियमतों की बात अल्लास मात हमें बता रहे हैं फ़ी हिमा नद हतान अल्लाह सुबहानद नद ख़तान कि अल्लाह सुबाना तौर जो है बता रहे हैं कि इसमें जो नहरें हैं वो और मजीद बह, एक तो पहले वाली जिक्र हुई थी कि बह रही हैं और अब यह कि दे गशिंग फोत उनमें से स्प्रिंग्स निकल रहे हैं उनमें से मजीद मी, मीनिंग कि ये और एक्साइटिंग है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ज़्यादा इसमें लजतें हैं और ये जो मजीद अदा की जाएंगी वो उनके लिए हैं जो अल्लाह अल्लास से डरेंगे और नेक अमाल करेंगे अल्लाह सुमा फिर रिपीट करते हैं फ़बे अला ए रबा तो क़बान कि तुम अल्लाह सुमा की कौन कौन सी नियमतों को झुटलाओगे फ़ी है मा फा की हत व नखलुन व रुमान कि उसमें खजूर के दरख्त हैं उसमें जो है अनार हैं उसमें जो है इस तरह के दरख्त हैं उस तरह के दरख्त हैं असम तला ने तुम्हारे खाने और लजतों के लिए क्या क्या नहीं रखा इंसान ऐसे बाग में हो जहाँ पर फूल हों फल हों उसको देखने में सुकून मिले उसको रहने में सुकून मिले उसमें अच्छी हवा हो उसमें साए हों उसमें सकून हो किसी तरह की रोज़ी की परेशानी नहीं हर तरह की लजतें मौजूद हों त ने इन नियमतों का उसके लिए जिक्र किया फिर अल्लाह हैं, फे अल्लाह ताला का इस सूरा में तीस दफा रिपीट किया है फबे अई आला रब कुमा तो का जबान फबे अई रब का हमें इस बात का एहसास रहना चाहिए कि हमल्लाबाना ताली की नियमतों का शुक्र अदा करें और शुक्र अदा करना सिर्फ ज़बान से अहमद ला कहना नहीं है अल्लाह ताली ने जो हमें हाथ दिए हैं जो आँखें दी हैं जो ज़बान दी हैं जो माल दिया है हम इसको अल्लाह सुाल की फरमाबरदारी में इस्तेमाल करें जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनके लिए इस्तेमाल करें जो अल्लाह सुाली ने नियमतें हमें जिसम के तौर पर दी हैं ज़बान दी है हम इसको अल्लाह त फरमाए फरमाबरदारी में इस्तेमाल करें ज़बान से हमारी कोई ऐसी बात ना हो जो, जो अल्लाह सुन ने जिन ने चीज़ों को मना किया है हमारे हाथ इन चीज़ों को इस्तेमाल माल ना करें जो अल्लाह तआला ने मना किया है हम लोगों के लिए रहमत का बायस बने ना कि उनके लिए जहमत का बायस बने फिर अल्लाह व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है ला यरहमुल्लाहु मन ला मरहमुन्नास कि अल्लाह व तआला उन पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम नहीं करते हम अपने नौकरों के साथ क्या सलूक रखते हैं हम अपने छोटों के साथ क्या सलूक रखते हैं हम अपने माँ बाप के साथ क्या सलूक रखते हैं हम अपने भाई बहनों के साथ क्या सलूक रखते हैं ये हमें सोचने की बहुत ज़रूरत है कि हमारा क्या लहजा हमारा तौर तरीक़ा हमारा मिलना क्या शफक़त और रहमत पर है या हम लोगों के लिए ऐसे हैं कि हमारे अखलाक की बिना पर लोग हमसे दूर रहना चाहते हैं क्या हम इस लोगों से इज़्ज़त देते हैं चाहे हमें अला सुमा ने कितना इकतदार और पावर दिया हो या माल दिया हो क्या हम उससे लोगों को छोटा समझते हैं इसीलिए किसी ने बहुत अच्छी तरीके से कहा है अगर आपने किसी इंसान का की डिग्निटी और कैरेटर चेक करना है उसका अखलाक चेक करना है तो उसको पावर दे दी जाए उसको ताकत दे दी जाए तो उसकी असलियत सामने आ जाती है इंसान कितना भी हासिल करने के बाद क्या लोगों के साथ आजिशी से पेश आता है उनकी मदद का बायस बनता है या उनकी तकलीफ़ का बायस बनता है इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला ला यरहम अल्लाहु मा यरहम फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला आगे वर्स नंबर सेवेंटी में कहते हैं फ़ी हिन्ना खैरातुन हिसान कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उसमें तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अख्लाक वाले मेलियंस रखे हैं अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए उसमें बहुत अच्छे जो है कम्पेनियंस रखे हैं यहाँ पे हम फिर से एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इन वापस मिलेंगे इन प्लीज स्टेज ट्यून विल बी राइट रैक व रहमतुल्लाहि व वक्त एंड वेलकम बैक टू द प्रोग्राम द डिवाइन मेरिकल और मैं हूं वजीउद्दीन और हम बात कर रहे थे सूरह रहमान की एंड वे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन हम आखिरी आयत की तरफ़ बढ़ते जा रहे हैं और हम बात कर रहे थे कि अल्लाह तआला बार बार इस सूरह में बयान करते हैं फबी अई आला रब का ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कम्पेियन्स की और अल्लाह तआला बयान करते हैं फी हिन्ना खैरात उनहसान किला तआला ने उसमें तुम्हारे लिए ऐसी खूबसूरत कम्पानियज रखी हैं जो तुम्हारे लिए किसान हैं मिसाल के तौर पर ला उमातः ने बयान किया खैरत उनकी जरूर उनके अंदर खाली इनवर्डली ख़ूबसूरती नहीं है बल्कि आउटवर्डली ख़ूबसूरती भी है कि ख़ाली वो अंदर से खूबसूरत नहीं है बल्कि अल्लाह ताली ने उनको बाहर से भी खूबसूरत रखा है दुनिया में लोग बहुत ज़ाहरी तौर पर खूबसूरत होते हैं लेकिन अंदर उनका खूबसूरत नहीं होता अल्लाह ताला हमें जिस तरह हम अल्लाह ताला ने हमें खूबसूरत पैदा किया अल्लाह की तमाम मखलू खूबसूरत है हमारे अखलाक भी खूबसूरत हैं कि उनके बारे में अल्लाह ताली उनके कैरेक्टर के बारे में बताया कि ये वरह के कम्पनियंस हैं इंसान चाहे कितने खूबसूरत माहौल में हो लेकिन अगर उसके साथ कोई इंजॉय करने वाला नहीं है उसके साथ गुजारने वाला नहीं है और उसके साथ उस चीज़ को देखने वाला नहीं है तो उस जगह की ज़्यादा जो खूबसूर है ज़्यादा देर तक लाश नहीं करती तो अल्लाह बताते हैं कि उस जन्नत में जो मजीद दो जन्नतें अता की जाएंगी उनमें जो खूबसूरती है मजीद अजाफा होता है जब तुम देखोगे कि उसमें जो तुम्हारे लिए अल्लाह तला ने कम्पनियज रखे हैं उस पाउस रखे हैं अजवाज रखे हैं उसमें तुम्हारे लिए कितने खूबसूरत हैं ना कि वह अंदर से खूबसूरत हैं बल्कि आउटवर्डली भी खूबसूरत हैं फ़ब अई आला रब कमा तो का ज़बान फिर अल्लाह ताला आगे कहते हैं सेवेंटी टू वर्स में हूर उन मकसूरात उन फ़िलयाम के ऐसी हूरें यहाँ पर अल्लाह तआला नाउन इस्म जिक्र कर रहे हैं कि उनके बारे में कि स्पेसिफिकली कि वो ऐसी हूरें हैं ऐसी हूरें हैं जिनकी डार्क आइज़ हैं खूबसूरती को बयान किया अल्लाह तआला ने और ये तैयार करके रखा है तुम्हारे लिए फिल खयाम ऐसे कि वो खैमों के अंदर होंगे पवेलियंस में होंगी कि अल्लाह उमाना तआला ने उनको मज़ीद बयान किया फ़ब अ रब कुमा तो का ज़बान ना इन सुसन कबल हम वाला जान कि उनको ना कभी किसी जिन और इंसान ने कभी छुआ होगा ना कभी इंसान और जिन ने उनको कभी छुआ होगा यह है उनकी खूबसूरती जिनके बारे में अल्लाह फिर अल्लाह फबी अय आला रब को मात का और तुम अपने रब की कौन कौन सी नमतों को झुटलाओगे मुथ रफ व व अबकरीन हिसान आ, कि अल्लाह सुमा कहते हैं कि वो ग्रीन क्वेश्चन पर बैठे हुए होंगे ग्रीन तकियों पर बैठे होंगे और उनके लिए बेहतरीन कारपेट्स होंगी जो अल्लाह सुमा ने बयान की कि ऐसी कारपेट जो अब करीब अरबी जबान में कहते हैं कि अरब कहते थे कि तुम ऐसी खूबसूरत चीज़ लेके आए हो कि तुम जिन्हों की वैली से लेके आए हो जिन्हों की जो है जगह से लेके आए हो क्योंकि ऐसी चीज़ तो हमने कभी देखी नहीं तो अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे जो तकिए होंगे तुम्हारे जो ग्रीन क्वेश्चन होंगे और उसकी जो कापेट होंगी तुम्हारे लिए ये बेहतरीन किस्म की होंगी हमने पहले भी जिक्र किया था कि अल्लाह सुहा ने खाली नाम के साथ हमें मिसाल दिया है ये सब अल्लाह ताली बता रहे हैं कि तुम्हारे आराम के लिए ऐसी ऐसी तैयारियाँ हैं जो तुम्हारे को हर लिहाज से सुकून और राहत अदा करेंगी जहाँ कभी किसी चीज़ की तुम्हारे लिए कमी बेशी नहीं होगी फिर अल्लाह ताला कहते हैं फबी अई आला रब कुमा तो का ज़बान और ये अला साल वापस दोहरा रहे हैं कि तुम्हारे लिए अल्लाह ने क्या नहीं तैयार करके रखा तुम्हारी नियमतों के लिए अल्लाह साल दुनिया में भी और आखिरत में क्या क्या तैयार करके रखते हैं फिर अल्लाह ला सुन में वर्ष नंबर सेवेंटी एट में कहते हैं तबा रकसम रब का जल्जलाम कि बहुत बाबरकत है बहुत पाक है अल्लाह अला साल का नाम कौन सा नाम मुख्तलिफ कहते हैं अल्लाह अला का नाम है जिसके साथ शुरू है अरहमान अल्लाह साल का अपना नाम जो है अल्लाह बहुत बाबरकत है अल्लाह ताली तमाम तारीफों के लायक है अल्लाह ने हमें जो भी सलाहत दी है असल में वो अल्लाह साल की निशानी है और अल्लाह तला ही तमाम तारीफों के लायक है अल्लाह ताली कहते हैं कि अल्लाह ताली का नाम बड़ा बाबरकत है हमें अल्लाह ताली की तस्वीर बयान करनी चाहिए अल्लाह ताली की तारीफ बयान करनी चाहिए अल्लाह ही तमाम तारीफों के लायक है अल्लाह ही तमाम तारीफों के का हक रखता है इंसान को सिर्फ जो अल्लाह ताली ने सलाहत दी दी है वो अल्लाह ताल के शुक्र अदा करने के लिए है अल्लाह ताल की तारीफ को पहचानने के लिए है हम एक रिवायत और शेयर करते हैं फिर इसके बाद आई गिव यू द कंक्लूडिंग थिंग्स दैट हमने जो उस सूरज से सीखा और हमने क्या उससे अखस करना चाहिए और किस तरह से हम उसको अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में ला सकते हैं अल्लाह के नबी वम कहते हैं इज़ा ख़ाना रमदान फत हत अब्वाब वरमत ये जब रमज़ान आता है तो उसके रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं व गकात अब्वा जहन्नम और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं वह सोलसलत शयातन और जो शयातिन हैं उनको जगड़ दिया जाता है ज शयातिन को जगड़ दिया जाता है उनके जो ताकत है को कम कर दिया जाता है और अल्लाह ताला जो अल्लाह ताला की राह को पकड़ना चाहते हैं उनके लिए रास्ते आसान कर दिए जाते हैं अल्लाह ताली आपको और मुझे तोफ़ी अता करे कि हम रमज़ान के फ़ायदे को बेहतरीन तौर से इस्तेमाल करें और अल्लाह सुमा तला की नेमतों को इस्तेमाल करते हुए अल्लाह ताली का शुक्र अदा करें हमारे खाने के टेबल पर जो चीज़ें हमें अता की गई हैं अल्लाह तला की तरफ से हम लोगों के रोज़ों का ख्याल रखें उनके पानी का ख्यास ख्याल रखें जो लोग गरीब हैं उनकी ज़रूरिया का ख़्याल रखें और यही हमारे असल शुक्र अदा करने का तरीका है कि हम खुद तो अपने खानों की टेबलों को जो है लदा दें कि जैन के सजा दें कि जैन अला सुमा ने हमें जिस तरह से नियमतें अदा की हैं लेकिन हम ख़ुद जो है दूसरों का एहसास ना रखें और रमज़ान की असल जो रूह है वो ये भी है कि हमें इस बात का एहसास हो कि हमें तकबा इख्तियार करना है अल्लाह ताला की जो मखलूक है उन तक हमें बात पहुँचानी है यहाँ पर मैं आपको ये कंक्लूड करता चलूँ कि अल्लाह ने हमें सूर्य के साथ क्या टेक होम लेसन अक्वायर किया है कि हम अपने ख़ानदान वालों के साथ यहाँ जो सूर रहमान जो कि बहुत खूबसूरत सूर है इसको अपनी औलादों के साथ फैमिली वालों के साथ जो है शेयर करें उनके साथ लेसन करें और उसको आपस में कुरान समझने की कोशिश करें एक ऑब्जेक्टिव लें और सूर रहमान को और फैमिली के साथ समझने की कोशिश करें हम उसमें जस्तजू पैदा करें कि अल्लाह तौला ने इस वर्ड की मीनिंग क्या कहें उसकी तफासिर को पढ़ें फिर अल्लाह साल से हम सवाल करें कि हम क्या कर सकते हैं अल्लाह साल का शुक्र अदा करने के लिए और अल्लाह साल के लिए क्या कर रहे हैं हम जो हम अगर ऐसा ना हो कि हम अल्लाह ताला के नाशुक्र में शामिल रहें क्योंकि अल्लाह साली ने जो हमें नियमतें अता की हैं अब हम उसका असर शुक्र अदा करें अल्लाह ताल से दुआ है कि हमने जो पढ़ा जो सुना अल्लाह ताली उसको कबूल करे और हमें अमल की तोफ़ी अता करे मैं इंसान हूँ अल्लाह सुमा के कलाम को बयान करने में मेरे से कई गलतियाँ होंगी और जिस तरह से बयान कर रहा हूँ ना जाने में भी मेरे से बहुत गलतियाँ हो अल्लाह ताली हमारी गलतियों को माफ़ करे जो चीज़ सही थी वो अल्लाह ताली की तरफ से थी जो चीज़ ग़लत थी वो मेरी तरफ़ से थी या शैतान की तरफ से थी अल्लाह ताली से दुआ है कि अल्ला आपक और मुझको अमल की तोीक अदा करे अल्लाह ताला तेरी मफफरत अदा करे मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा इस मैसेज के साथ नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं इन ताला मी साइनिंग ऑफ असल वरम्ह वर्क बरकु